देखो एग्जाम्पल नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है, दीपा रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ये क्या है क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर, नीचे तो क्या है ये क्यूबॉइड और ऊपर क्या है इस पर हाफ सिलेंडर से इसको सरमाउंट किया है, द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन इतना, ठीक है, जो बेस है यानी कि जो लेंथ है 7x7, देखो 7 मीटर बाय कितना 15 मीटर है, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पार्ट इज 8 मीटर, जो क्यूबॉइडल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है 8 मीटर, तो वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना वॉल्यूम इसमें आएगा, इसमें जो वॉल्यूम आएगा वो सिंपल उतना ही तो आएगा जितना वॉल्यूम क्यूबॉइड का है और जितना वॉल्यूम किसका हाफ सिलेंडर का है ना, क्योंकि क्यूबॉइड के ऊपर हाफ सिलेंडर रखा है इन्होंने, तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हाफ सिलेंडर। तो देखो कैसे करेंगे हम इसके लिए, पहले डायमेंशन लिख लेते हैं क्यूबॉइड के, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है यहाँ पे 15 मीटर, ब्रेथ कितनी है 7 मीटर और हाइट कितनी है 8 मीटर। अब हमें सिलेंडर के डायमेंशन नहीं दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा देखना जो ये वाला पोर्शन है ये कितना होगा 7 और ये क्या होगा, ये सिलेंडर के लिए डायमीटर ही तो होगा है ना, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो अगर ये 7 है तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी 7/2, तो सिलेंडर के लिए जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो गई 7/2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम सिलेंडर की हाइट की, तो देखो ये तो क्या हो गई इसकी रेडियस हो गई थी और ये जो है ये डायमीटर था और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी है ना, और ये कितनी है 15, तो जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 15 एच, ठीक है, तो वो हो गई कितनी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड, तो वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, ये ऐसे लिख लो हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये तो इसको स्मॉल एल लिख लो और इसे भी एल बी एच प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए कैपिटल एच यूज़ किया तो कैपिटल एच लिखना, 15 इंटू कितना 7 इंटू कितना 8 प्लस 1/2 22/7, रेडियस कितना 7/2, तो 7/2 इंटू कितना 7/2 और एच कितना है 15, ये आ गया 7 से 7 कैंसिल, ये 11 जा, ठीक है। अब क्या करो इसको मल्टीप्लाई करा दो है ना, तो ये कितना आया 840 प्लस यहाँ पे 11 7 जा 77 इंटू कितना 77 इंटू 15 और अपॉन में कितना 4 है ना, तो ये कितना आया 115 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 280 है, ठीक है, सो दिस इज 840 प्लस 288.75 और इसको ऐड करा दो किस में 840, तो ये कितना आया 1128.75 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल में मीटर में होगा सारा मीटर क्यूब, ये सब मीटर में कर लो इधर, ठीक है, तो ये क्या हो गया इतने
मीटर क्यूब क्या आ गई इसकी, वॉल्यूम आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है वो इसमें, सेकंड पार्ट, सपोज द मशीनरी इन द शेड, सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ इतने मीटर क्यूब, ठीक है, एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ होम ऑक्यूपाई इतने मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज, देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। ठीक है, देखो अब क्या, जो भी जितना भी एयर आया है, वॉल्यूम से क्या मतलब है एयर, ठीक है, अब जितना एयर है उसमें से एक तो ये माइनस कर देंगे हम, ऑक्यूपाई इतना टोटल स्पेस, ठीक है, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, एंड 20 वर्कर्स हैं और हर वर्कर कितनी, इतनी एयर ले रहा है, तो टोटल वॉल्यूम में से दिस जो टोटल वॉल्यूम आई थी उसमें से माइनस करेंगे इसको और प्लस किसको, 20 इंटू दिस, है ना। तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या कह रहा है वो, हाउ मच एयर इज इन द शेड, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में एयर इन द शेड लेफ्ट, कितना एयर बचेगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड यानी कि ये, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेस, ठीक है, ऑक्यूपाई बाय मशीन मशीनरी, ठीक है, और प्लस क्या होगा, 20 वर्कर कितने हैं, 20, और हर वर्कर को कितनी चाहिए एयर, 0.8 मीटर क्यूब, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय ईच वर्कर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ शेड कितना आया था, ये आया था 1128.75 माइनस मशीनरी को जो स्पेस चाहिए वो कितना है, 300 प्लस 20 इंटू एक वर्कर को कितनी एयर चाहिए, 0.08 मीटर क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये कितना, 20 इंटू कितना, 0.08, तो ये आ गया 1.6, ठीक है, और ये कितना, 300, तो ये कितना आ गया, 1128.75 माइनस 301.6, ठीक है, इसको माइनस करा दो, तो कितना आया ये हमारे पास, 827.15 मीटर क्यूब, ठीक है, तो इतनी एयर शेड में बाकी रह जाएगी।